साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई दुबई वेज से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, पांच अच्छी अच्छी अपडेट हैं आप लोगों के लिए, तो बताना बहुत ज़रूरी है। तो भाई वीडियो पूरा देखिएगा, तीन मिनट में हम पूरी डिटेल से बात कर लेंगे। पांच छह अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोरोना अपडेट से भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कोरोना अपडेट दुबई वे का क्या है। तो भाई बहुत अच्छा कंट्रोल वे ने किया, आपको बताइए जो वे में लोग रह रहे हैं उनको आपको पता होगा। 42,436 अभी तक केस पॉजिटिव हुए हैं, उनमें से मात्र 292 के करीब अभी तक डेथ हुई है, यानी डेथ रेशियो 300 प्लस भी नहीं हो पाया। बहुत अच्छी ये मैं न्यूज़ मानता हूँ। 29,000 के करीब रिकवर कर लिया गया है, तो 10,000-11,000 का मैटर है जो अभी पॉजिटिव केस जिसको बोल सकते हैं, 10,000-11,000 ही हैं मात्र, बाकी रिकवर कर लिया गया 29,000 के करीब। तो बेस्ट न्यूज़ है दुबई के लिए, इसीलिए भाई दुबई ने इसी कदम को उठाते हुए, आपको पता है 100% दुबई का काम स्टार्ट हो चुका है। इतने दिन भी 100% ही था, लेकिन उसमें जो ऑफिशियल स्टाफ था वो 30%-33% ही आ पा रहा था, लेकिन अभी कल की डेट से न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि पूरा 100% जहाँ पर भी आपको जैसे गवर्नमेंट स्टाफ मान लीजिए, इदारे मान लीजिए, या फिर और XYZ प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी जो पूरा 100% स्टाफ है वो पूरा का पूरा कल की डेट से ज्वाइन हो गया है। तो ये बेस्ट न्यूज़ है साथियों आप लोगों के लिए भी। भाई जो वीज़ा से रिलेटेड थे या विदेश से रिलेटेड थे, जिनका काम पेंडिंग पड़ा था क्योंकि स्टाफ पूरा नहीं होने की वजह से काम आपको पता है समय पर नहीं हो पाता, तो भाई कल की डेट से पूरा स्टाफ एकदम ज्वाइन हो चुका है। तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट न्यूज़ है। ये कोरोना की वजह से हो पाया क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा तरीके से कंट्रोल कर लिया है वीए गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट बात कर ले साथियों की, आपको पता है गल्फ कंट्रीज में कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है, आपको पता है बहुत ज़्यादा 50 डिग्री के करीब वहाँ पे पारा होता है। तो गर्मी की गवर्नमेंट ने ये सहूलियत दी है वर्करों के लिए, खास तौर से जो भारी वर्कर हैं, जो मजदूर टाइप के जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जॉब करते हैं धूप में, उनको साथियों 12 बजे से 3 बजे तक का टाइम की छुट्टी दे दी गई है कि भाई आप 12 से 3 के बीच में काम नहीं कर पाते हो, अगर कंपनी आपसे करवाती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और हाँ, छुट्टी के दौरान आप भी भाई कुछ गलत नहीं कर सकते, वरना आपके खिलाफ भी कुछ एक्शन हो सकता है। लेकिन ये बेस्ट न्यूज है वे गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई ये 3 घंटे जो दोपहर में भयंकर गर्मी होती है, आपको रेस्ट दिया जाए, गर्मी में आपको काम करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को पता है नहीं है तो भाई आप देख लीजिए अपने कंपनी सर्कुलेशन के हिसाब से, या फिर नोटिस आपकी कंपनी से आ गया होगा, नहीं आया तो आ जाएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट न्यूज़ मैं मानता हूँ। आगे बात करें भाई, जो रेजिडेंशियल वर्कर थे दुबई के, कम से कम 2,00,000 वर्कर, जी हाँ साथियों, उनको दुबई गवर्नमेंट जल्द ही रिकवर कर लेगी सबको, वीरियता के आधार पे करेगी कि भाई सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है उनको, उसके बाद इसे ऐसे ऐसे करके सबको रिकवर कर लेगी, उनको बुलाएगी। अभी जैसे फ्लाइटें स्टार्ट हो जाती हैं सबको भाई जाने का मौका मिल जाएगा दुबई में। 2,00,000 रेजिडेंशियल वर्कर हैं, उनको अभी जस्ट जल्द ही यूएई गवर्नमेंट उनको अपनी देश बुलाएगी दुबई। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। दुबई गवर्नमेंट ने भाई एक कानून अभी बनाया, आप लोगों को नहीं पता है तो बता दूं, अगर आपने दुबई करेंसी टिकटॉक बनाने के चक्कर में या असिस्टेंट दिखाने के चक्कर में, बड़ाई करने के चक्कर में नोट को फाड़ा, उसका दुरुपयोग किया, उसको गलत कुछ किया उस करेंसी के साथ, यूएई करेंसी के साथ, तो भाई सजा 1 साल से 1 साल तक की सजा प्लस 10,000 तक जुर्माना, दुबई दराम जुर्माना हो सकता है। तो इस सिस्टम से बचे, क्योंकि ये एक वीडियो वायरल हुआ था टिकटॉक पे, आपको पता है उसको पुलिस ने अरेस्ट किया था, उसके बाद में इस पे कदम उठाया गया है कि करेंसी का आप अपमान नहीं कर सकते। तो समझ गए होंगे कि इस चीज़ का भाई ध्यान रखें, अगर आप ऐसा कुछ करते हो के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दुबई गवर्नमेंट ने दूसरा एक और नियम बनाया साथियों, बता दूं कानून जिसको बोल सकते हैं, सरकारी संपत्ति इदारे फ्लैग, उस यूए गवर्नमेंट का जो यूए देश का झंडा है उसके साथ अगर आप गलत हरकत करते हैं, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी आंदोलन में भाग लेके, या किसी के कहने से कुछ भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं, तो भाई सजा प्लस जुर्माना होगा, और जुर्माना इतना होगा कि आप जिंदगी में कमा नहीं पाओगे, जेल में रहना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे शॉर्ट तरीके से मैंने बताया है। नेक्स्ट साथियों, वे गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा ऑप्शन उन लोगों के लिए दिया है जो COVID-19 में जो हेल्थ वर्कर थे, जो मेडिकल स्टाफ से रिलेटेड मान लीजिए, उनको वे गवर्नमेंट साथियों बोनस देगी। जी हाँ साथियों, क्योंकि भैया जोखिम की ड्यूटी तो उन्होंने ही करी है, सबको पता ही है, जब हम घर में दुबक के
बैठे थे तो वो लोग मरीजों का इलाज कर रहे थे अपनी जान को जोखिम में डाल के। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। हालांकि और भी देशों से हम तो उम्मीद करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट से भी भाई, जो कोविड-19 में अपनी जान को जोखिम में डाल के ड्यूटी कर रहे थे उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिलना चाहिए, यह तो फाइनल है। बाकी वे गवर्नमेंट तो आपको पता साथियों हर चीज़ में आगे ही रहती है, हर बार मैं बात बोलता हूँ बार। तो ये 5-6 अपडेट थी साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।